गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बालाजी स्टैंडर्ड 10th से लाइव प्रोसेस के अंतर्गत डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लेक के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए क्या है डेंटल कैरीज। देखिए, इन ए ह्यूमन टूथ द कवरिंग इज कॉल्ड एनेमल विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। मानव दांत में जो कवरिंग होती है जिसे एनेमल बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट है, कठोर भाग है। बिलो द एनिमल इज डेंटाइन, और एनिमल के जो नीचे डेंटाइन होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प कैविटी। अब देखिए, डेंटाइन के नीचे जो है अंदर पल्प कैविटी होते हैं, विच कॉन्टेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें कि पल्प में नर्व और ब्लड रक्तवाहिकाएँ होती हैं। टूथ डीके और डेंटल कैरीज इज ए ब्रेक डाउन ऑफ टूथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज आर होल्स इन द एनिमल। जो टूथ डीके, दांतों का सड़ना, या डेंटल कैरीज क्या है, वह टूथ का ब्रेक डाउन होता है, या उसमें छोटी छोटी जो कैविटी बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं इन द एनिमल में। एंड डेंटाइन ऑफ ए टूथ, दांत के एनिमल और डेंटाइन में होल्स बन जाते हैं, वही क्या है, डेंटल कैरीज है, या टूथ, दांत का सड़ना। इट अकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया। यह जो है क्या होता है, यह एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया के एक्शन के कारण होता है। एंड इम प्रॉपर डेंटल केयर, और जब दांतों का की जो देख रेख अच्छे से नहीं हो पाती तो ऐसा होता है। व्हेन वी ईट सुगरी फूड, जब हम शुगर रिच फूड लेते हैं या उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, द बैक्टीरिया इन अवर माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। अब हमारे मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं वह अम्ल उत्पन्न करते हैं, एसिड उत्पन्न करते हैं। दीज एसिड्स फर्स्ट डिजॉल्व द कैल्शियम साल्ट्स, और यह अम्ल जो एसिड होते हैं वह कैल्शियम साल्ट में डिजॉल्व जाते हैं फ्रॉम द एनिमल से। एंड देन अटैक द डेंटाइन, उसके बाद क्या करते हैं, डेंटाइन पर अटैक करते हैं। दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ टूथ, जो कि डेंटाइन क्या है, दांत की दूसरी परत होती है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, स्मॉल कैविटीज आर होल्स आर फॉर्म्ड इन द डेंटाइन ऑफ ए टूथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है कि जो डेंटाइन में होल्स बन जाते हैं एक समय के बाद। द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ, और जो एसिड होते हैं, एसिड जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है दांत के अंदर, और दांत दर्द उत्पन्न करता है। एंड कार्ड टूथ है, दांत दर्द उत्पन्न करता है। इफ द कैविटीज कार्ड बाय डेंटल डीके आर नॉट क्लीन्ड एंड फिल्ड बाय ए डेंटिस्ट, यदि जो होल्स हैं वह डेंटल डीके जो दांत कच्छा है उसके द्वारा जो कैविटीज बनते हैं, होल्स बनते हैं, वह साफ नहीं किए गए और डेंटिस्ट एक दंत चिकित्सक के द्वारा फिल्ड नहीं किए जाते हैं, द बैक्टीरिया गेट्स इन टू द पल्प कैविटी ऑफ टूथ काजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन लीडिंग टू सीवर पेन। और बैक्टीरिया जो है पल्प कैविटी में चला जाता है और इन्फ्लेमेशन संक्रमण फैला देता है और बहुत ही दर्द होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, देखिए इसका फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पर। डीके इन एनिमल, ये क्या है, एनिमल में छः है एडवांस डीके, अब ये क्या है जो छः ज़्यादा बढ़ गया है, फिर क्या है, डीके इन डेंटाइन, डेंटाइन में अब ये जो डेंटाइन है वाइट कलर का उसमें हो गया, फिर डीके इन पल्प, ये पल्प में डीके जो छः हो गया। आप देखिए डेंटल कैरीज ये फिगर दिया हुआ है, डेंटल कैरीज का एनिमल जो है छः डिकम्पोज हो गया, छः हो गया एनिमल का, वाइट पार्ट जो होता है दांत का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिमल है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है डेंटल प्लेक। तो डेंटल प्लेक क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एलोइस लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स कॉल्ड द
डेंटल प्लेक। अब वहाँ पर एक स्टिकी चिपचिपा पीले लेयर बन जाती है फूड पार्टिकल्स का, भोजन के कणों का और बैक्टीरिया सेल्स का, जिसको डेंटल प्लेक बोलते हैं दांत के ऊपर। सिंस प्लेक कवर्स द टीथ फॉर्मिंग ए लेयर ओवर देम। और प्लेक क्या है, प्लेक जो है दांत के ऊपर एक लेयर बांधता है। द एल्कलाइन सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म्ड बाय एसिड, क्या है एसिड फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया, हेंस टूथ डीके सेट्स इन। और जो प्लेक बनने से जो सलाइबा है वह डेंटाइन तक नहीं पहुंच पाता है और वह जो बैक्टीरिया के द्वारा एसिड रिलीज किया जाता है वह क्या होता है, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए जो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली, और दांतों को क्या है, दांतों का जो ब्रश करना नियमित रूप से आफ्टर ईटिंग फूड, रिमूव्स द, भोजन करने के बाद रिमूव्स द प्लेक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स। और बैक्टीरिया एसिड उत्पन्न करने से पहले जो है उसको साफ कर देता है। दिस विल आल्सो प्रिवेंट डेंटल कैरीज और टूथ डिके, और इससे जो है दांतों का सड़ना भी रुक जाता है, क्षय होना भी रुक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा देखेंगे इनगेशन क्या होता है ना। तो इनगेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशन। और भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनगेशन बोलते हैं या अंतर्ग्रहण ना, अंतर्ग्रहण। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, हम एक अनेक प्रकार के भोजन लेते हैं। द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, और भोजन को हम अपने मुख में हाथों के सहायता से रखते हैं। द फूड इज क्रश्ड एंड चेव्ड विद अवर टीथ प्रेजेंट इन अवर माउथ, और जो हमारे मुख में दांत प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं उनसे भोजन क्या होता है तोड़ा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर डिस्कस्ड बिलो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं और स्टेप्स हैं वो आगे देखेंगे। देखिए, द इंटीरियर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स इज नोन एज बक्कल कैविटी, और जो आहार नाल का अग्र भाग है मुख से ग्रसनी तक उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख बुआ। इट कंसिस्ट ऑफ टंग, इट कंसिस्ट ऑफ टंग टीथ जॉ पैलेट एंड थ्रोट, इसमें ये सब आगन होते हैं, जीभ दांत जबड़ा गला ऐसा। फिर कटिंग रीडिंग क्रशिंग एंड शेविंग ऑफ फूड अकर्स इन द बक्कल कैविटी, और भोजन का काटना उसको तोड़ना क्रश करना चबाना ये सब मुगुआ के अंदर होता है स्टूडेंट्स। तो आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लिए हैं, उसको या अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका डेंटल कैरीज और डेंटल फ्लेक के बारे में। अब आगे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।